औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में संकल्प संस्था द्वारा अभ्युदय कौशल उन्नयन प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ आजादी के नायक चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर किया गया। परम पूज्य उमेश नाथ जी महाराज, सांसद छतर सिंह दरबार, धार विधायक नीना वर्मा, विधायक प्रतिनिधि संजय वैष्णव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंच पर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस संस्था का उद्देश्य सभी वर्गों का उत्थान कर सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास कर समुदाय की जीवन शैली के परिवर्तन लाना है। अपने उद्बोधन में परम पूज्य उमेश नाथ जी महाराज ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही हम समाज व देश को विश्व शक्ति बना सकते हैं। इस संस्थान में करीब 35 से अधिक तकनीकी विषयों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 45 दिन से लेकर एक वर्ष तक के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शामिल है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। वो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध जगह है और यहाँ कौशल अभिज्ञान संस्थान द्वारा शिक्षित और निम्न स्तर के परिवारों के जो बालक बालिका हैं उनके लिए इस संस्थान ने एक बड़ा संकल्प लिया है और इनकी संस्था जो संकल्प नाम से है, मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आज की जो विषम परिस्थितियों में जो देश जातिगत स्थिति में बटा हुआ है, उस विषम परिस्थिति के समय में इस संस्था ने समाज के प्रत्येक अंग को अपना परिवार का सदस्य मान करके उसके अभ्युत्थान के लिए, उसकी उन्नति के लिए, वो परिवार भारत की मुख्यधारा से जुड़े उसके लिए जो प्रयास किया है, मैं इस संस्थान के समस्त सदस्यों को, पदाधिकारी को, सबको आशीर्वाद देता हूं कि इस अभिज्ञान के कार्यक्रम में वो निरंतर लगे रहे, किसी प्रकार का गतिरोध ना आए, ऐसा मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। सांसद धार मऊ लोकसभा क्षेत्र जो आज ये प्रकल्प का कार्यक्रम प्रारंभ किया है, ये इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही सुंदर सौगात होगा। छोटे करीब 50-55 तरह की ग्रामीण लोगों को, चाहे पढ़ा लिखा न हो, चाहे वो अनपढ़ हो, उसको अपने स्किल, अपने हुनर हाथ से सीखने को मिलेगी और ऐसी संस्थाएं जब हो जाएगी तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की बेरोजगारी और आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी। उसी की आज शुरुआत हुई है और हमारे विद्या भारती राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने ये सब उसके स्वयं सेवकों ने, कार्यकर्ताओं ने चालू की है। तो निश्चित रूप से जो ईमानदार संस्था के कार्यकर्ता जिस संस्था को चालू करते हैं उसमें सफलता चूमती है और जिस उद्देश्य से किया है वो निश्चित रूप से आज ये इस प्रकार समय देश में परिवर्तन आए। भारतीय राष्ट्रीय जो स्वयं सेवक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।